हाय दोस्तों, इफ रॉयल एनफील्ड इज मेड लाइक ए गन, तो गन का बैरल आज मेरे हाथ में है और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैनन वर्जन 2 जो कि बैरल एग्जॉस्ट का है। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ बिकॉज ये मॉडल का मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि आप लोगों के लिए रिव्यू करूँ, एंड बहुत सारे डिटेल इसके अंदर ऐसी हैं जो नॉर्मली लोगों को जो यूज कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है। तो वो डिटेलिंग, साउंड, प्राइस एंड बाकी बहुत सारी चीजें इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। एंड चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड स्पीच बोल देता हूँ यार, सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स जो होती हैं वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसको फिट करने से पहले आपको कुछ डिटेलिंग बता देता हूँ इसके बारे में। पहले जो आप ये देख रहे हैं ये कैनन का वर्जन 2 है एंड सच में ही बहुत अच्छा है। पैकिंग जो इसकी थी जब ये आया हुआ था तो पैकिंग वॉज सो गुड। इस पैकिंग के अंदर में मुझे मिला कुछ आइटम्स थे लाइक ये क्लैम्प दे रखा था इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं क्लैम्प्स दे रखे हैं, ये जॉइंट्स की टाइप में इसको टाइट बंद करने के लिए है वो दे रखा था, नट बोल्ट्स थे एंड BS4 के लिए स्लीव दे रखा है इसके साथ में। स्लीव आपको साथ में मिलता है जैसे कि आप स्लीव देख रहे हैं, स्लीव की भी अच्छी क्वालिटी है। नॉर्मली जब साइलेंसर्स आते हैं तो घटिया क्वालिटी के स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स इज गुड, मुझे वो भी पसंद आया। जो एक क्लैम्प के बारे में बताऊंगा, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, जो मेटल थिकनेस है वो बहुत ही अच्छी है। अब साइलेंसर के बारे में बात करने से पहले मैं इसका साउंड सुनाऊंगा, साउंड सुना के बाद हम बात करेंगे साइलेंसर में और चीज क्या है। तो चलिए साउंड को फिट करता हूँ, जल्दी जल्दी फिट करके आपको फिर इसका साउंड सुनाता हूँ। वैसे इसको फिट करना बहुत इजी है, साथ में मैक्सिमम आइटम आते हैं बोल्ट्स एंड ऑल, तो वो इसमें फिट करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो स्लीव हम पहले डाल देते हैं इसके अंदर, स्लीव डालने के बाद ये क्लैंप हमको फिट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिट हो चुका है। अब मैं इसका साउंड सुनाता हूं आपको, एंड एक चीज पहले बताना चाहता हूं साउंड स्टार्ट करने से पहले कि साउंड थोड़ा टेंटेटिव आपको आएगा क्योंकि कभी कभी वेव्स निकलती है ना तो साउंड क्लियर नहीं आ पाता, बट साउंड आपको टेंटेटिव आइडिया देगा कि ये एग्जॉस्ट साउंड कैसे करता है। तो देखते हैं चलिए। सच में साउंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप पर्सनली ये प्रोडक्ट को लेते हैं, अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो आप जानते होंगे बैरल एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छी साइलेंसर बनाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, आउटर एरिया के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइलेंसर्स में। सिर्फ और सिर्फ साउंड के वजह से ही आप उसको नहीं बाय कर सकते, आप एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं। दोनों ही ये जो साइलेंसर्स हैं इसमें लिमिटेड साइलेंसर, बैरल एग्जॉस्ट के लिमिटेड साइलेंसर्स हैं। तो अगर मैं आउटर एरिया के बारे में बात करते हैं तो आउटर एरिया आप देख सकते हैं ये क्रोम मैंने मॉडल लिया है, इसमें ब्लैक ऑप्शन भी अवेलेबल है, यहाँ पर बैरल एग्जॉस्ट लिखा हुआ है। ये जो 3 रिंग्स हैं यहाँ पे लगाने का स्पेशल रीजन ये है कि जब साउंड यहाँ से ट्रैवल करता है तो ये 3 रिंग्स आपके जब वाइब्रेशंस होती हैं उसको रिड्यूस करती हैं, एंड उससे जब ये जो एंड पॉइंट है ज्यादा वाइब्रेशन, जैसे लॉन्ग पंजाबी साइलेंसर देखे होंगे उसमें एंड पॉइंट पे बहुत वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी भी ज्यादा वाइब्रेट करती है, तो वो एक इशू मुझे लगता है इस साइलेंसर्स में नहीं होगा। क्रोम क्यों लिया मैंने, ब्लैक कलर भी ऑप्शन था, यू नो अपनी गाड़ी को सूट जो करता है उसके हिसाब से लीजिए। जैसे मेरा बाकी पार्ट्स अगर आप देखेंगे इंजन एंड सबको मैच एकदम करने का मैंने इसलिए क्रोम पार्ट लिया, ब्लैक भी ऑप्शन अवेलेबल है। ब्लैक का जो कॉस्ट है एंड जो क्रोम का कॉस्ट है ऑलमोस्ट सेम है, 6700 का MS में मिल रहा है माइल्ड स्टील अगर आपको लेना है। अगर आप स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड अगर आप लेते हैं तो 9500 के आसपास पड़ता है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा डिटेलिंग के लिए कहाँ से आप बाय कर सकते हैं जेन्युइन प्रोडक्ट। अमेजोन पे भी अवेलेबल है एंड डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। क्लैंप की क्वालिटी अच्छी है सो फार, जो क्रोम का जो माइक्रोन है, इट इज माइक्रोन मीन्स जो थिकनेस होता है, कई लोग जब बाय करते हैं क्रोम आइटम्स
जो क्रोम फिनिश, ये जो मैं शाइनिंग जो मिरर फिनिश जिसको बोलते हैं, इसकी 18-21 माइक्रोन है, जो कि आपके फॉसेट जो आपके घर में जो नल्स लगे रहते हैं उससे भी ज़्यादा है। तो लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है पेंट का, कंपनी वारंटी देती है सर्विस के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको सर्विस करेगी, नॉमिनल चार्जेस पे आपको करेगी। एंड एक चीज और, इसमें डीबी किलर भी आता है। डीबी किलर क्या होता है, जो साउंड जो है आजकल जो इश्यू चल रहे हैं चलान के ये सब के, तो इसके साथ में आपको मिलेगा डीबी किलर भी, अगर आप लेना चाहें अलग से वो भी अवेलेबल है, जो कि इसके अंदर इजिली फिट हो सकता है, तो आप वो चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। एंड सो फार मेरा जो इसके लिए रिव्यू है, बैरल एग्जॉस्ट के रिव्यू है, पॉजिटिव है, जरूर बाय करिए। यू नो थोड़ा आजकल लीगल का ज्यादा इशू है, तो डीबी किलर के साथ में यूज करिए। तो यू नो और मैं कुछ ऐसा कुछ भूल नहीं रहा हूँ उसमें, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा एंड कीप वॉचिंग बुलेट गुरु, देखते रहिए। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है जरूर पूछिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग बुलेट गुरु, बाय।